हेलो, अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो मुझे पता है कि आप सबको पता है कि मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। एंड फुटबॉल खेलने के लिए मैंने टॉप 3 चीजें रखी हुई है अपनी, कि मतलब किस ऑर्डर में एंड किस तरह से वो सारी चीजें नेसेसरी होती हैं। तो सबसे पहला आपका फिजिकल होता है, दूसरी चीज आती है आपकी गेम के लिए नॉलेज, एंड तीसरी चीज आती है आपके पास जूते, क्योंकि नंगे पैर नहीं खेल सकते। एंड अगर आप जिन ग्राउंड्स पे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ वहां पे अगर आप फुटबॉल खेलेंगे तो मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि या तो आपके पैर फ्रैक्चर हो जाएंगे या आपकी आगे साथ पुश्तें जो होंगी वो भी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगी। बोलने लगा था कि मैंने फुटबॉल शूज लिए थे लास्ट टाइम, मैंने 2019 में लिए थे मई के आसपास कहीं पे, तो उनको काफी ज्यादा टाइम हो गया है। 29 डेट है आज दिसंबर एंड 2020 ऑफकोर्स, तो उन जूतों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, फट चुके हैं, उनकी क्लीट्स घिस चुकी हैं सारे की सारी। तो मैं सोच रहा हूँ कि नए फुटबॉल शूज ऑर्डर करूँ। एंड हम आपको दिखाएंगे कि मेरे फुटबॉल शूज की क्या हालत है। मेरे पास 2 जोड़ी हैं, एक हाइपर वेनम है और एक फैंटम वीएसएन है, तो दोनों को देखेंगे। कर दिया कर दिया। हाँ ठीक है, चलिए मैं साथ में आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरे प्यार, ठीक है, ये हाइपर वेनम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी क्लीट्स एकदम जा चुकी हैं, क्लीट्स आर नॉट सपोज टू बी लाइक दैट, आपको दिख रही होंगी, मैं पास से दिखाता हूं। तो घिस चुकी हैं कंप्लीटली, ऑलमोस्ट ऐसी होनी चाहिए, पर इसके आगे भी इतना था वो भी जा चुका है। तो और साइड से आप देख सकते हैं ये जा चुका है सारा, ये राइट फुट है तो बिल्कुल ही घिस चुका है क्योंकि मेरा डोमिनेंट फुट राइट है। एंड उसके बाद ये एक गधे को दिया था मैंने, तो उसने देखिए इसके साथ क्या कर दिया, ये जा चुका है। एंड इसकी इनसोल भी नहीं बची अंदर, अगर आपको दिख रही है इनसोल। एंड इसके कॉलर्स देख सकते हैं आप, इसके कॉलर्स देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जीबी रोड पे जाके कहीं किसी का कुछ देख रहे हैं, तो उसकी तरह इसका हुआ पड़ा है सारे का सारा सवाल। तो खैर, इसकी भी क्लीट घिस चुकी है, ये यहाँ पे से भी फट चुका है। दूसरा हमारे पास आता है फैंटम वीएसएन, इसकी क्लीट्स भी ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, इसका और भी बुरा हाल है, ये भी जा चुका है, देख लीजिए। ये भी दिया था तूने किसी को? हाँ, ये भी दिया था मैंने किसी को, दिया था तेरे को, मेरे को नहीं दिया तूने। एंड इसके कॉलर्स भी आप देख सकते हैं कि वैसे हो चुके हैं जैसे, अब मैं क्या ही बोलूं, मैं वर्ड्स नहीं बोलना चाहता। एंड इसकी क्लीट भी जा चुकी है, आप जैसे ये वाला देख सकते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये जा चुके हैं, एंड ये भी ठीक है, बट ये आप बीच वाला देख सकते हैं, अगर ये वाला देखिए बिल्कुल ही जा चुका है सारे का सारा सामान इसका। तो ऊपर का अब मेरे को फुटबॉल शूज लेने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होगी है, तो चलिए फ्लिपकार्ट पे हम ऑर्डर करेंगे आज या कल तक, क्योंकि मैंने सेविंग्स कर रखी है। तो वैसे तो मैं नाइकी बॉय हूँ, मुझे नाइकी के जूते बहुत पसंद हैं, बट इस बार नाइकी का स्टॉक ही नहीं था, ना ही अमेज़ॉन पे, ना ही फ्लिपकार्ट पे। तो आई डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। एंड मैंने जो जूते ऑर्डर किए वो एडिडास के हैं, एडिडास 20.3 FG प्रेडिटर। तो वही मिले थे मेरे को, आई मीन ठीक साइज़ था इनका, जो मेरे को साइज़ आता है 7, तो उसमें थे। एंड मतलब बहुत ही महंगा शू है बट बहुत कम में मिल रहा था। एंड इसकी क्लीट्स भी देखो तो बहुत अच्छे हैं, शूज़ कॉलर भी है इसमें, सब कुछ मिल रहा है। तो आई डिसाइडेड कि मैं ये जूते ऑर्डर कर लूँगा, एंड मैंने करे। बट स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम मैं मतलब फ़ोन पे नहीं कर पा रहा था, अपने वॉइस ओवरले नहीं डाल पा रहा था, तो मैं ये बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना वो डालनी है, क्या बोलते हैं, पेमेंट डिटेल्स, तो वो मैं आपको शो नहीं करूँगा, सीधा आपको मैं दिखाऊंगा जब आ जाएंगे, या फिर मतलब बीच में कहीं पे ट्रैक करूंगा मैं इसको। तो ये मैं अभी नहीं दिखा रहा आप सबको, हरामी हो क्योंकि तुम सारे। तो ठीक है, मैंने ऑर्डर तो कर दिया है अपना जो शू जो है, तो पिछले कल किया था 30 दिसंबर को, तो आज 31 है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसका वो है, क्योंकि मैंने पिछले कल से नहीं किया चेक कि कहाँ कौन से ऑर्डर कहाँ पे, नहीं मैं जल्दी सो गया था। तो लेट्स गो। तो अब मैं एडिट करते टाइम इस वीडियो को रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, एंड मुझे फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर ट्रैक करना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो इस पॉइंट पे मैं जब अभी ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था अपनी, एंड फ्लिपकार्ट पे अपना ऑर्डर देख रहा था कि कहाँ पहुँचा है, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ देखा इसको कि शिप हो गया है एंड आप तक पहुँच जाएगा। बट एक्चुअली वहाँ पर एक एरो की ऑप्शन है, शिप्ड के नीचे देखिए एक एरो की ऑप्शन है, वहाँ पर मेरे को पता भी लग जाना था कि इंडिया में एग्जैक्टली कहाँ पर पहुँचा है, एंड आपको भी दिख जाना था अभी। बट मैं गधा हूँ, आई एम सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो फाइनली काफी दिनों बाद मेरा यहाँ पे जो मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से वो पहुंच गया हुआ है। मैं फ्लिपकार्ट का वो नहीं दिखा रहा हूँ आपको जो कवर है बाहर, क्योंकि
कॉपीराइट इश्यूज आई गेस, बट एडिडास का दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैकेज काफी अच्छा किया हुआ है, अगर आप इसे दुकान से ले या आउटलेट स्टोर से ले तो इस तरह से पैक करके नहीं देते हैं वो आपको, ये शायद डिलीवर हो रहा था इस वजह से इस तरह से पैक हुआ है। तो खैर इसको पीस बाय पीस उतारना शुरू करेंगे अभी हम। ये इनवॉइस लगा हुआ है साथ में ऑर्डर का, इसमें जो डिटेल्स हैं वो नहीं दिखा रहा मैं आपको कि आप सब हरामी हो, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है खोलना, मुझे प्रॉबेबली अपने भाई की हेल्प ले लेनी चाहिए क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक हाथ से बना रहा हूँ, बट एनीवेज वो नहीं उठेगा आलसी। तो अगर मेरा भाई होता तो ये काम जल्दी हो जाता, पर वो सोया हुआ है। इट्स जस्ट एज आई थॉट, अभी और भी ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ठीक है हमारा डब्बा जो है वो हट गया है एंड अब हम फाइनली इसे खोलते हैं। आई होप कि फ्रॉड ना हुआ हो, सबसे पहली चीज मैं भी प्रे कर रहा हूँ कि काश फ्रॉड ना हुआ हो, क्योंकि अगर फ्रॉड हुआ हुआ ये वीडियो मैं तब भी डालूंगा, डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, बट अगर फ्रॉड हुआ तो बुरा लगेगा ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए खोलते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, नहीं हुआ नहीं हुआ, काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं, इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये आपके सामने ही है जो भी है जैसा भी है। और मैं बता सकता हूँ अपर को फील कर रहा हूँ, मैं इसके अपर को फील कर रहा हूँ अभी, और मुझे फील आ रहा है कि ये बहुत अच्छे जूते हैं। कॉलर देख सकते हैं आप इसका डायनेमिक कॉलर, तो जी मैं फील कर सकता हूँ कि काफी अच्छे हैं। अब फिटिंग की बात आएगी कि क्या ये फिट करेंगे या नहीं। आप पीट, ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड, दिस इज टू लव, दिस इज टू लव, बहुत ही सुंदर लग रहा है जूता ये, आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर की इसकी हाइलाइट्स हैं एंड व्हाइट कलर। मुझे पता है घर के ग्राउंड में एंड दूसरा हाई स्कूल का ग्राउंड है, मैं वहीं पे खेलता हूँ ज्यादातर, एंड मुझे पता है वहां पे कि काम खराब हो जाएगा, जूतों का गंदे हो जाएंगे बड़ी जल्दी, बट हु केयर्स। तो जी हाँ ये मैंने डाल लिए हैं, एंड एक चीज मैं बता देता हूँ, थोड़े से टाइट हैं ये, इसी साइड पे 7 नंबर मंगाया था मैंने, मतलब 25 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, आगे से ठीक है बट ये खुले हो जाएंगे। अब मैं डाल डाल के जैसे 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 राइट वाले फुट का मैंने डाल के रखा था काफी टाइम से तो वो ठीक लग पड़ा है, नहीं ये अभी नया नया डाला है लेफ्ट साइड वाला तो वो थोड़ा सा टाइट लग रहा है अभी। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब चलते हैं आपको गेम डेमो दिखाने के लिए। शुरू कर दी ना? यस। तो जी हाँ, हम जुनूनी पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में आ गए हैं अपने फुटबॉल स्किल्स टेस्ट करने, इस जूते को बाहर डालने। तो आप देख सकते हैं मैंने ये डाले हुए हैं अभी भी। चलिए सबसे पहला टेस्ट आता है हमारा स्प्रिंट टेस्ट, तो अभी हम स्प्रिंट ट्राई करेंगे, तो मेरे कैमरा मैन अभी हमारे साथ आएंगे, तो प्लीज चलिए चलते हैं स्प्रिंट टेस्ट करने। हम रखेंगे कितना होगा वहां से वहां तक, कितना होगा मतलब पिच कितनी होती है, एक पिच के बराबर करके बोल रहे पिच कितनी होती है, कितने यार्ड्स होती है पिच 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 ये हाँ ये क्रिकेट की पिच, हाँ 22 यार्ड्स। स्प्रिंट टेस्ट करके देखेंगे सबसे पहला, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे से होगा। मैंने वार्म अप कर लिया मैं बताना चाहूंगा, तो चलिए अब दूसरी टेस्ट करेंगे, वो वहाँ दिखाओ पिच कहाँ से है। दूसरी स्प्रिंट टेस्ट करेंगे अब, तो यहाँ पे से है पिच फिर से 22 यार्ड्स, हाँ 22 यार्ड्स का टेस्ट करेंगे। 1 2 3 को ठीक है, स्प्रिंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे लॉन्ग बॉल एक्सपर्ट दिखा, उसको दिखा, लॉन्ग बॉल एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं, उसके बाद ये हमें थोड़ी बहुत लॉन्ग बॉल्स देंगे, हम देखेंगे कंट्रोल कितना अच्छा हो रहा है। सलता माता आंखों में चलेगी मेरे, मैं क्या बताऊं। गोमेन नसाई पावर जनरेट हो रही है, पता साइज छोटा है ना, थोड़ा सा भी पार्ट नहीं है जो लटक रहा है, देखना ये देख थोड़ा सा भी नहीं लटक रहा है पार्ट।
ठीक है पाजी हुण बोलो तुसीं हुण आपां देणी बढ़िया 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 हुण आपां देणी हुण पावर भी है बूट भी ठीक है पै कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है बॉल कंट्रोल भी बहुत बढ़िया है पांच सेकंड बॉल कंट्रोल भी बहुत बढ़िया है कोई प्रॉब्लम नहीं है जूते में जूता एकदम मस्त है प्रॉब्लम होगी तो आप में होगी अगर आप खेलना चूज करते हैं तो ये है स्लीवलेस साक और कैमरामैन पीयूष जाधव के साथ बास तक अब सम रैंडम्स रैंडम जूतों के पास के शॉट जहां तक मैं स्किल कर रहा हूं और फील हो रहा हूं मैंने ना सात महीनों में मैंने शूट नहीं लिया पता सात महीनों में शूट नहीं लिया मैंने ठीक है वो पता नहीं पर अर्जुन ये बहुत मस्त फिटिंग है मस्त फिटिंग है लास्ट पार्ट अगर इन जूतों के साथ मेरे को करना पड़े मैं कर दूंगा ये जूते मेरे को करने को बोलेंगे मैं दे बहुत अच्छे जूते हैं जब बोल ले गया तो एक मिनट लास्ट लास्ट सवाल आपके लिए ओए कॉपीराइट बज जाएगा बंद करना आज इंटरव्यू करते थे प्रशांत सिंह ठाकुर रिपोर्टर और कैमरामैन पीयूष के साथ हम विक्रांत जी से पूछना चाहते हैं कि ये नाइकी को बहुत सपोर्ट किया करते थे और हमें गालियां दिया करते थे कि आप एडिडास में ही रहें मैं अगर नाइकी के जूते लेता था तो मुझे बहुत गालियां पड़ा करती थी घर में कि आपने क्यों लिए हैं नाइकी के जूते लेकिन आज ये एडिडास के फिट को बहुत प्रेज कर रहे हैं उस फिट की तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये क्या हुआ नाइकी का जो सामान था वो स्टॉक नहीं हुआ पड़ा था मैंने नाइकी के लेने थे एक्चुअली बट वो था ही नहीं सामान इन्हें खोल के मुझे दे दीजिए गुखा ठीक है आज के लिए इतने काफी है आप सबका थैंक यू अगर अभी तक आपने वीडियो देखी तो गाइस दिस हैज बीन योर बॉय स्लीवलेस ठाकुर टिल देन बाय बाय नेक्स्ट टाइम